नमस्ते सर। नमस्ते मैम। यार जब भी कहीं निकलूँ बीच में टोकी देगा तू, बोल। वो महीने के थोड़े पैसे मिल जाते हैं, कुछ काम था। पकड़ो। पर साहब इसमें तो 100 रुपये कम है, आप वैसे ही 400 रुपये देते हो और 100 काट लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा? तूने जो अंदर से गाड़ी साफ नहीं की ना 2 दिन से, उसके पैसे काटे हैं मैंने, समझे ना? पर मैडम 2 दिन मेरी तबीयत खराब थी इसलिए काम थोड़ा डिले हुआ। यार ये मेरी सरदर्दी नहीं है, इतने ही पैसे मिलेंगे, करना है तो कर, नहीं तो रास्ता ना। इतने तो मत काटो सर। मैम राकेश जी, ये मैंने नई स्कूटी खरीदी तो गाड़ी के साथ कल से इसको भी धो ले। पर सर मैं इसके 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों भाई, सेम रेट पे करना पड़ेगा। पर मैम वैसे ही आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है और मैं उसको इतने कम पैसे में साफ करता हूँ, अब आप ये भी मेरे सर डाल दोगे तो कैसे होगा आप ही बताओ। अरे तो भाई स्कूटी है, हवाई जहाज नहीं खरीद लिया है, और साफ करना है तो कर, वरना बहुत सारे लोग सोसाइटी में हैं, किसी से भी साफ करवा लूंगा मैं। एक बात याद रखना, हम तुमसे ना बहुत सालों से गाड़ी साफ करवा रहे हैं और अगर हमने बंद कर दिया ना गाड़ी साफ करवाना तो ये पूरी सोसाइटी तुमसे कोई काम नहीं करवाएगी। मैं तो बस हर चीज में एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये देख लो पूरी सत्यानाश हो गई। राकेश इधर आ। जी मैम। ये किसने किया? मुझे नहीं पता मैडम। अच्छा तो हमने तुझे गाड़ी साफ करने के कम पैसे दिए तो इसलिए तूने ये बदला लिया? मैडम मैं ऐसा क्यों करूंगा मैडम, अपने ही पेट पे क्यों लात मारूंगा, मैं पढ़ने वाला लड़का हूँ और इसी से मेरा घर चलता है, तो आप ही बताओ मैं ऐसा क्यों करूंगा। जितना तू भोला दिखता है ना उतना भोला है नहीं तू। साले मुझे तेरी सरदर्दी यहाँ चाहिए ही नहीं है? और आज के बाद तुझसे कोई गाड़ी साफ नहीं करवाएगा, समझ में आई बात? भाग यहाँ से, साले यही मारूंगा चमाटे। बेटा अभी थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। नहीं देखो ऐसा है ना कि बेटा तुम्हारी फीस एंड ऑल, वी आर स्टिल ट्राइंग बेटे। डैड आप क्या ही ट्राई कर रहे हो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने पैसे नहीं भेजे तो दे डिपोर्ट मी, मेरी डिग्री रह जाएगी। बेटा मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं रोज बैंक के चक्कर लगा रहा हूँ बेटे, और वो लोन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा क्लियरेंस में प्रॉब्लम है बेटे। डैड मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी प्लीज अरेंज कर, मुझे वापस इंडिया नहीं आना, विदाउट माय डी मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। बेटे बेटे मैं समझता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई सलूशन निकल जाएगा। मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा कि अपने बच्चे के सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, और क्या सलूशन मिल जाएगा यार, पिछले 1 महीने से बैंक के चक्कर लगा रहा हूँ। एक बार कल फिर से जाके देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। हाँ आपका लोन अप्रूव हो गया है, आप मंडे आके मुझसे मिल लीजिए। थैंक यू। अरे आप यहाँ बताइए। वो हमें कुछ काम था यहाँ। हाँ हाँ बताइए मैं करवा देता हूँ। नहीं फिर। अरे बताइए मैं यहाँ पे लोन एजेंट हूँ, मैं करवा दूंगा, बताइए। आप लोग परेशान मत होइए, मैंने आप लोग की फाइल देख ली है, ट्यूसडे शाम तक आप लोग का लोन क्लियर हो जाएगा। तुम चाहते तो हमारे साथ भी वैसा ही बिहेव कर सकते थे, हमारी हेल्प ना करके।
लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है सर, ये मैंने इंसानियत के नाते किया। लेकिन आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहूँगा कि आगे से कभी किसी इंसान को अपने से छोटा ना समझें। If we are exploiting anyone, sooner or later it's gonna come back to us. Let's try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.